कभी सीधे नहीं होंगे। बेटी एंड रॉनी हैं बेस्ट फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल तेरी बात होगी और फिर तेरा क्या होगा एंड्रोस। तो फाइनली दोस्तों अमिताभ बच्चन सर के पोते यानी कि दोस्तों अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म द आर्टिस्ट को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ, 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों बात करेंगे द आर्टिस्ट फिल्म के शुरुआती 2 दिनों के व्यूज के अकॉर्डिंग कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों फिल्म बीटू या फिल्म प्रपोज के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना और वीडियो पूरा देखने से पहले आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर कल भी सेट कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते, उससे पहले लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले धारती इस फिल्म के बजट की, तो इस फिल्म का जो बजट है और 40 करोड़ रुपए है और दोस्तों इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर कल यानी कि 7 दिसंबर को इस फिल्म को रिलीज किया गया है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोया अख्तर ने और इस फिल्म के लीड रोल में आपको शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, अमिताभ बच्चन सर के पोते अगस्त्य नंदा और साथ ही साथ इस फिल्म के लीड रोल में आपको जानवी कपूर की बहन यानी कि खुशी कपूर भी इस फिल्म के लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे। और बात करें इस फिल्म के शुरुआती 24 घंटों के टोटल व्यूज और कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती 24 घंटों में लगभग 1.6 मिलियन यानी कि लगभग 16 लाख व्यूज हासिल करके इस फिल्म ने व्यूज के अकॉर्डिंग कलेक्शन किया है लगभग 2 करोड़ रुपए का। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के रिव्यू के बारे में, तो इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, तो वही दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स के रिव्यू भी काफी पॉजिटिव मिले हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस फिल्म के पॉजिटिव रिव्यू मिल चुके हैं। और बात करें इस फिल्म के टोटल राइट्स के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म के जो डिजिटल राइट्स है यानी कि जो इस फिल्म के नेटफ्लिक्स के राइट्स है वो बिक चुके हैं 30 करोड़ रुपए में, तो वही इस फिल्म के जो म्यूजिक राइट्स है वो बिके हैं 5 करोड़ में। और बात करें इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स यानी कि टीवी के जो राइट्स है वो दोस्तों लगभग 35 करोड़ में बिक चुके हैं यानी कि इस फिल्म ने टोटल राइट्स कलेक्शन कर लिया है 70 करोड़ रुपए का। और बात करें इस फिल्म के प्रॉफिट के बारे में, तो इस फिल्म का बजट है लगभग 40 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने टोटल राइट्स कलेक्शन कर लिया 70 करोड़ रुपए का यानी कि दोस्तों इस फिल्म का जो प्रॉफिट बनता है वो लगभग 30 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर चुकी है। और बात करें इस फिल्म के हिट फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म को दोस्तों हिट होने के लिए लगभग 5 मिलियन व्यूज क्रॉस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है फिल्म 5 मिलियन व्यूज क्रॉस करके नेटफ्लिक्स पर हिट हो सकती है या फिर नए में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, हमें मिलता है आपसे अगले वीडियो में।